आप लोग हैरान होंगे कि इसे जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट से ही कैसे हम अपने बालों को काला कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट अपने बालों पर रखिएगा, ना आपको घंटों बैठना पड़ेगा ना सुखाना पड़ेगा, और आपके बाल जो तुरंत काले होने शुरू हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग जो शेयर करने वाली हूँ कि जैसे वैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जिससे कि हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। कुछ ही देर में या कुछ ही मिनटों में हम अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ जो है नारियल तेल ले रही हूँ। नारियल तेल जो है आपके पास किसी भी ब्रांड का होना चाहिए। यहाँ मैं जो है पैराशूट का नारियल तेल ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। हमें पहले सबसे पहले नारियल तेल लेना होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ जो है 1 से 2 चम्मच जो है नारियल तेल लूंगी। नारियल तेल में जो है विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है। यहाँ मैं नारियल तेल के साथ साथ जो है लेने वाली हूँ थोड़ा सा जो है, आप इसके अंदर हीना ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो है हर्बल टॉनिक का जो है कलरलेस हीना है, तो यहाँ मैं जो हीना को इसमें यूज करने वाली हूँ। हीना सेम वैसी ही होगी, बट ये जो कलरलेस हीना है इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपके बाल जो है लाल और ऑरेंज बिल्कुल नहीं होंगे, आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं 1 ही चम्मच लूंगी। और जैसे आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट जैसे आगे आगे की तरफ जो है व्हाइट हेयर्स आ जाते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है ले रही हूँ ये हीना के, देख सकते हैं आप ये पत्ते हैं, बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हीना लेना है आपको, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच लेना होगा। 1 चम्मच से क्या होगा कि आपकी जो है काफी अच्छा जो है बहुत ही अच्छा जो कलर आ जाएगा बालों में, ब्लैकिश कलर आ जाएगा, नेचुरल ब्लैक। तो मैं इसके अंदर जो है 1 चम्मच हीना ऐड कर रही हूँ नारियल तेल में, और साथ के साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा काला कत्था लूंगी। अगर आपके पास ब्राउन कत्था है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो है काला कत्था है, इस तरीके का मैंने यहाँ सेव करके रखा। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास अमेजोन में मुझे ये मिला था, परचेज किया था मैंने। तो ये देखिए यहाँ जो है मेरे पास, याद रखिएगा नारियल तेल में हमें ये सारी चीजें मिलानी होगी, मेहंदी, काला कत्था, तभी आपके बालों को नेचुरल काला बनाएगा, देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा, अगर आपके पास ब्राउन कत्था है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, इस तरीके का कत्था है हर्बल टॉनिक का, ये कुछ ब्राउनिश सा कलर का होता है, देख सकते हैं आप। इस तरीके का ब्राउन कत्था है, हमें ये लेना होगा। हम इसके अंदर ये भी जो है 1 चम्मच के बराबर लेंगे। और हम इन सबको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इसमें एंड में जो है आप एक कॉफी पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा। कॉफी पाउडर से एक नेचुरल कलर का ग्लो आता है बालों में भी, एक शाइनिंग आएगी, बालों की रिग्रोथ हो जाएगी, वॉल्यूम अच्छा हो जाए, बाल बहुत ज्यादा सिल्की एंड शाइनी होने लग जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा उनके जो है बाल बहुत ज्यादा रफ रहते हैं। तो मैं इनको इसको कट कर लूंगी। और देखिए मैं इसको जो है थोड़ा सा इस कॉफी पाउडर को मैं दिखा देती हूँ, इसकी क्वांटिटी कितनी अच्छी है। ये हमें सिर्फ 2 रुपए वाला पाउच है, देख सकते हैं आप, 2 रुपए वाला मैंने पाउच लिया है। और यहाँ पर मैं जो है कॉफी को ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छे से बारीक ये पीसा हुआ है। बस इस तरीके से हमें ये कॉफी पाउडर लेना है नारियल तेल में, और हम इन सबको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वाटर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेशली आरओ का वाटर है तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो हमारे सफेद बालों को जो है जो अच्छे से नेचुरल काला करेगा। हम इसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे, और आप इसे जो है तुरंत इसको लगा सकते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। इसको जो है आपको कोई कवर नहीं करना पड़ेगा, ना इसको ढक के रखना पड़ेगा, बस इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। किसी ब्रश और की सहायता से, किसी ग्लव की सहायता से आप इसे जो अपने बालों पे लगा लीजिए। अब आपको लग रहा होगा इसमें मैंने पानी काफी ज्यादा ऐड कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी देर में ये जब ये बिल्कुल ड्राई होगा तो काफी अच्छा पेस्ट बन जाएगा, गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। बस इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। ज्यादा ये लॉन्ग वीडियो नहीं, आप लोग इसको देख के बोर नहीं होंगे। बस इसको एक बार जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा, तभी रिजल्ट आपको एक साथ जो अच्छा मिलेगा। बस आपको 15 मिनट लगाइएगा, उसके बाद आप इसे जो अपने हेयर को वॉश कर दीजिएगा। ना आपको घंटों बैठना पड़ेगा, ना बालों को सुखाना पड़ेगा, बस लगाया और 15 मिनट बाद इसको वॉश कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। और हाँ, इन सबको जो आप अमेजोन में परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में। मैंने ये जो सारी चीजें अमेजोन से परचेज की थी, और बिल्कुल हर्बल है, 100% नेचुरल है, और आपके बाल जो है बिल्कुल नेचुरल ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये सारे जो है हो गया है, काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। बस इसको ऐसे ही घोलते रहना है, इसका जो है इसके कोई लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाए, देख सकते हैं आप।
ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। बस इसको आपको इसको तुरंत अपने बालों पे लगाइए और इसको वॉश कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते क्या कीजिए, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो मैं इसको थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये जो पेस्ट बन चुका है, देख सकते हैं आप। और आप इसे जो 2 से 3 दिन बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद मतलब मीन्स जैसे कि अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। काफी अच्छा ब्लैकिश, मैं आपको एक कंट्रास्ट कलर दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा एक कलर आ चुका है। बस इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे और लगा के देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।